सफ़े मुकम्मल फरमा ले। पीछे आप अगर आप जो बाएं बाएं खड़े हैं सीढ़ियों पर जो लोग हैं वो भी अपने सफ़े मुकम्मल फरमा ले। अगर अपनी सफ़े दुरुस्त फरमा ले, अगर आप अपनी सफ़े मुकम्मल फरमा ले। नमाज़े जनाज़ा की इमामत, ये दाएं तरफ अभी भी जो लोग हैं आप अभी तक सफ दुरुस्त नहीं है, आप थोड़े थोड़े से पीछे होंगे, आपका रुख बिल्कुल जो है ये मुख्तलिफ है। ये जो साउंड लगे हुए हैं इनसे आप जी थोड़े थोड़े से पीछे होंगे तो पिछली सफे भी मुकम्मल हो जाएंगी अपनी नदीम साहब जो जिससे कि मैंने दोस्त अहबाब से सुना मेरे साथ न्याज से पेश आते बाशी बहादुरी देते और नाम की तरह ये हर एक नदीम और साथी थे। और मुझे साथियों ने बताया कि केवल नाम की चीज़ इस आदमी नहीं थी, कोई आदमी अमीर हो गरीब हो जब भी इनके वहाँ पे हॉल में आता तो ये खड़े होकर के मिलते और आगे जाते चंद कदम चल के जाते। अल्लाह ताला इनके अखलाक कबूल फरमाए और अल्लाह रास्ता आसान फरमाए और जो बाडी अभी तक मिली नहीं अल्लाह पाक माज करम फरमाए। और याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मोमिन जिसको इस दुनिया के अंदर कोई तकलीफ पहुँचती है, हाँ वो थकावट है और कोई तकलीफ है, कांटा भी चुप जाए, अल्लाह पाक उसकी वजह से उसके दर्जात बुलंद फरमाता है, गुनाह माफ़ फरमाता है। इंशाल्लाह ये जितनी बड़ी आजमाइश है मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक की बारगाह में अल्लाह पाक इनकी इस आजमाइश को अल्लाह ताला इनके आखिर के दर्जात की बुलंदी का सबब बनाए। والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.